ये है टर्की कॉफी, टर्की चाय, चाय, चाय राइट, यू कॉल या चाय, ये चाय है ना, चाय है ना, चाय है, कूल। ये यहाँ का चाय ब्रेकफास्ट चाय आज हम चाय खा चाय, रहे हैं, इट्स लाइक सिमिलर टू इंडिया, यू नो, वेयर एवर या यू गो चाय, दे आर लाइक, डू यू वांट टी चाय चाय या चाय चाय। जो आप वो देख रहे हैं वो है ब्लू मॉस्क। ये गया दरवाजा बंद क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंड है। ओके, लॉक हो गया, तो यहाँ पे मैं रह रहा हूँ अभी कुछ दिनों के लिए। इसके बाद जाएंगे टर्की का टूर। ये मेरा एयरबीएनबी है, तो आप देख सकते हैं ब्यूटीफुल जगह। ये एक रूम है, वहाँ पे एक रूम है, वहाँ पे एक रूम है। तो हाय, ये हाय, हिंदी में, हिंदी में? हिंदी नो, में हिंदी ये में मेल्टम है, और इनको तो आप पहचान सकते हैं, डॉक्टर अंसारी। नमस्ते। नमस्ते। इनको हिंदी नहीं आता ज़्यादा, लेकिन नमस्ते आता है। तो हम ब्रेकफास्ट के लिए चलें, आपको कुछ बोलना है, कैसा लग रहा है? सफर है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो। ये बिल्लियों का शहर है भाई, उनका दो है, उनका Şimdi दो biz है। bir kahvaltı sabah istiyoruz. Oh, you have to go. I think she is pregnant. Oh, that, oh no, Ah. she understands it. Üç tane çay. Bir de şey alalım biz, omlet alalım. Nasıl omlet alalım? Bir tane de mushroomlu omlet alalım. Tamam. Ya da bakalım şunda şey mi var, meat var mı? Varmış. Vegetarian, havuç mantarı, şöyle. Okey, bir de vejetaryen omlet alalım, Bir pardon. vejetaryen omlet. Çay dedik, Üç krep çay, dedik. bir Okey, vejetaryen omlet, bir çabuk gelir tavuklu, değil bir mi? mantarlı. Yap. Eyvallah. Tamam değil mi? ये है टर्की का कॉफी, टर्की चाय, चाय, चाय राइट, यू कॉल या चाय, ये चाय है ना, चाय है ना, चाय है, कूल। ये यहाँ का चाय ब्रेकफास्ट चाय आज हम चाय खा चाय, रहे हैं, इट्स लाइक सिमिलर टू इंडिया, यू नो, वेयर एवर या यू गो चाय, दे आर लाइक, डू यू वांट टी, डू यू वांट टी, चाय या चाय खाने चाय चाय। वाला हूँ टर्की का कॉफी। मजा आ गया। This is what happens when you are eating with the YouTuber. बहुत मजा आ गया। हेलो, वो जो आप देख रहे हैं वो ब्लू मॉस्क है, और ये आया सोफिया मॉस्क जो पहले म्यूजियम हुआ करता था। तो वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अभी लगभग दोपहर के 1 बजा है। अभी मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे अभी ठंड नहीं है उतना बढ़िया, लेकिन जैकेट आपको ज़रूरत पड़ेगा, थोड़ा ठंड ज़्यादा है। तो अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मैं ऐसी सिटी राउंड मारूँगा, मे बी कभी हो सके तो जाऊँगा। तो ये है ब्यूटीफुल आया सोफिया, तो मैं जाता हूँ, क्या बोलता है? अभी हम मॉस्क के अंदर एंट्री करने वाले हैं, लगता है बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। वाह, ये रहा मॉस्क। मॉस्क के जाने से पहले आपको शू निकालना पड़ता है, उसके बाद अंदर
तो इस मॉस्क के बारे में आपको कुछ डिटेल बताता हूँ। ये मॉस्क का नाम एक्चुअली सुल्तान अहमद मॉस्क, जो मुझे मैंने वहाँ पे देखा था। ओके, ये बिल्ड हुआ था 1609 से लेकर 1617 तक, 7.5 ईयर्स लगा इसको बिल्ड करने में। और जो बिल्ड किया है उनका नाम मैं नीचे डालूंगा क्योंकि मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है। और इसको जो बिल्ड करने जो ऑर्डर दिया था उनका नाम है सुल्तान अहमद वन, जो 14 जब उनका एज 14 था तब उन्होंने सुल्तान बने थे ओटोमन एम्पायर के 14 एज में। तो ये रहा अपना पहला यहाँ का आइकॉन टर्की इस्तांबुल का। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा होगा क्योंकि अंदर जो मॉस्क एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में चल रहा है तो ज़्यादा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये है अपना पहला आइकॉन ऑफ टर्की। अब जैसे हम अंदर जाओगे ये मॉस्क के पीछे ये मार्केट है, काफ़ी लंबा मार्केट है, सब खाली पड़ा है। बहुत कुछ आप खरीद सकते हैं, एकदम टूरिस्टिक है भाई। लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। कोई टूरिस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। नीला आसमान। तो इस बाजार का नाम है ये। सो ये एक टर्किश बात है जो ऑटोमन एम्पायर से भी बहुत पुराना है। अभी तो बंदे को यूज नहीं कर रहा है लेकिन शायद फ्यूचर में कुछ करे। Awesome. Hello. अब जहाँ भी देखो आपको बिल्ली मिलेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली बिल्ली आए यहाँ पे। और यहाँ पे इस्तांबुल में ऐसा है कि आप कहीं भी वॉक करें बहुत मज़ा आता है। बहुत ब्यूटीफुल ये देखिए। मुझे पता भी नहीं मैं कहाँ आ गया। एक्चुअली मैंने ब्लू मॉस्क से निकला और मैं यहाँ पहुँच चुका। ये कोई बैकयार्ड नेबरहुड है, कुछ ग्राफिक्स दिख रहा है मुझे। सो चेक करते हैं। Sen biliyorsun. Ben sana kaç sefer söylemişim. Süleyman'ı yanıma alacağım. Ya Süleyman. Süleyman'a kimse inanmıyor. Süleyman öyle bir şey bekliyor. Ne yapayım?